नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की ओर से अक्सर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं होती रहती हैं, जिसका सीधा निशाना तो भारतीय सेना पर होता है, लेकिन आम लोग भी इसमें अक्सर बुरी तरह प्रभावित होते हैं। अनेकों बार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की ओर से अकारण की जाने वाली फायरिंग और गोलाबारी में सीमा से लगे गांवों के घर उजड़ जाते हैं, लोग हताहत हो जाते हैं और मवेशियों को भी हानि पहुंचती है। सीमा पर रहने वाले लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि गोलाबारी के समय स्कूलों में बच्चे भी फंस जाते हैं। पिछले साल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से हताशा में जो गोलाबारी की जा रही थी, उस दौरान पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में एक स्कूल में कई बच्चे फंस गए थे। सीमा के साथ लगने वाले गांव डारना में उस समय डर का माहौल बना रहा था, क्योंकि 3 घंटे तक गोलाबारी चली थी। इस दौरान एक माध्यमिक स्कूल के बच्चे एक ही कमरे में काफी देर तक फंसे रहे थे। कभी ऐसा दोबारा ना हो तो बच्चों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इसके लिए भारतीय सेना की ओर से सीमा से सटे स्कूलों में बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि गोलाबारी की स्थिति में कैसे खुद को या अन्यों का बचाव किया जा सके। आपको लिए चलते हैं भिम्बर गली के हमीरपुर इलाके में स्थित पाइनवुड स्कूल में, जहां छात्रों को गोलाबारी के समय बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। सेना की ओर से छात्रों को समझाया गया कि जब पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू हो तो आप पहले अपने डेस्कों के नीचे लेट जाएं, उसके बाद 5-5 का ग्रुप बनाकर बंकर में जाएं। सेना की ओर से स्कूलों के पास भी बंकर बनाए गए हैं, जिनमें पूरी सुविधाएं हैं, जैसे गोलाबारी के समय उस बंकर के अंदर भी क्लास लग सकती है। छात्रों ने प्रभा साक्षी से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय सेना हमारे लिए हमेशा मददगार साबित होती है। छात्रों का कहना था कि इस इलाके में पाकिस्तान अक्सर गोलाबारी करता है, जिससे हमेशा डर बना रहता है, लेकिन हमारी पढ़ाई का समय बेकार नहीं जाए, इसके लिए सेना ने बंकर भी तैयार किया है और हमें गोलाबारी के बीच में से निकलने के तरीके भी बताए हैं। मेरा नाम सोहेल है जी। हम अचानक ही पढ़ रहे थे कि इधर शेलिंग होनी शुरू होगी, तो हम फिर उधर शेलिंग सायरन बजना शुरू हो गया, तो हम सीधे यहाँ बंकर में आके, जो हमें इस आर्मी ने बहुत ही अच्छे से सुनते फॉर्म की है, तो हमारी जिस वजह से जो शेलिंग होती है तो हम अपनी मतलब सिलेबस जो वगैरह कवर भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से इस आर्मी स्टाफ बोले ना हमें इधर बैंकर्स में लाइट वगैरह सारा कुछ दिया, तो हम यहाँ पे बैठ के भी अपनी मतलब पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हर वक्त LOC पे हमारा स्कूल है, तो यहाँ पे शेलिंग होती रहती है, तो हम क्या करते, हमारे क्लास के हर एक क्लास के पास एक ना एक बैंकर होता ही है, तो हम बैंकर में चले जाते हैं, वहाँ पे हमें फर्स्ट एड बॉक्स भी हैं, तो हम वहाँ पे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसलिए ये पाइनवुड स्कूल हमीरपुर जो है, ये इंडियन आर्मी ने ही एस्टेब्लिश किया 1995 में। शेलिंग के टाइम ना एक खौफनाक सा माहौल होता है, वेरी पैनिक अमंग किड्स, तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो थोड़ा पता होता है, पर छोटे बच्चे होते हैं, किड्स फ्रॉम नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इवन के दे स्टार्टेड क्राइम, वो रोना शुरू हो जाते हैं, तो उस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम उन्हें कैंडीज दे के या टॉयज दे के उनको कंसोल करते हैं, डरना नहीं है, देन उनको हम आस्ता आस्ता विकेट करते हैं बैंकर में, देन वहाँ हम उनको ऐसा फील कराते हैं कि दे शुड फील लाइक होम, वो घर की तरह महसूस करें, जिससे मतलब क्या हो कि उनकी जो पैनिक है, उनमें जो खौफ पैदा हो जाता है शेलिंग की वजह से, वो उनका हट जाए, तो वो क्या करते हैं, उनकी स्टडीज सफल ना हो। पर आज साफ दिख रहा है कि सेना सिर्फ सीमा पर सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि मानवीय संवेदनाएं कूट कूट कर भरी होने के कारण वह जम्मू कश्मीर के सभी रहवासियों की पूरी सुरक्षा की चिंता भी करती है। भारतीय सेना को सलाम।